केवल खबरें और कुछ नहीं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कई स्तर पर कार्रवाई कर रखा है। इसके साथ ही मतदान के दिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस बार अलग व्यवस्था की गई है ताकि कोई खतरा नहीं हो। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने तथा मतदान के प्रति जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, प्रभात फेरी आदि कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को डीएम के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस के समीप से शुरू साइकिल रैली फ्लाईओवर स्वामी विवेकानंद चौक, अंबेडकर चौक, कचहरी चौक एवं कैंटीन चौक होते हुए गांधी स्टेडियम पहुंचा, जहां की डीएम ने मतदाता जागरूकता एकदम एवं मतदान प्रक्रिया के संबंध में लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए चुनाव में जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी होगी। 2011 की संख्या में जेंडर रेशियो 894 है, अभी ये रेशियो और बढ़ गया है, लेकिन मतदाता सूची में जेंडर रेशियो 880 ही है। महिला मतदाताओं की संख्या सूची में कम है, इसे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना होगा, इस गैप को समाप्त करना होगा। मतदाता की संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक रविवार को बूथ लेवल पर कैंप आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन भी नाम जोड़े जा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायक एवं जीविका दीदी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। मतदान के लिए की गई नई व्यवस्था के संबंध में डीएम ने कहा कि मतदाताओं की संख्या कम करने के लिए मतदान केंद्रों में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। अब सभी मतदान केंद्रों पर 1600 के बदले 1000 मतदाताओं का ही नाम शामिल किया गया है। सभी मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। 15 से 20 मतदाता ही लाइन में रहेंगे। शेष लोगों के बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे लड़का हो या लड़की, अगर 18 साल की उम्र पार कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए आएँ और अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा लें। इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई कि प्रत्येक रविवार को BLO अपने बूथ पर कैंप भी कर रहे हैं, ताकि नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र से आप लोग आवेदन कर सकें। यदि किसी कारणवश उस दिन नहीं जा पाते हैं तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा प्रपत्र सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति 18 साल से उम्र का जो है, लड़का या लड़की, वो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके। साथ ही साथ ये भी जागरूक करने के लिए ये रैली थी, साइकिल रैली, ताकि लोग मतदान के दिन निर्भीक होके वहाँ पे मतदान करने के लिए आएँ। बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि उस दिन सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर मतदान करने आए। साथ ही साथ कोरोना के बचाव के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में पूरी सावधानियाँ बरती जाएंगी और सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाएगा। लोगों से यही अपील है कि चुनाव के दिन मास्क पहन के जरूर आएँ, उसके अलावा बाकी ग्लव, सैनिटाइजर, ये सब की व्यवस्था मतदान केंद्र पर रहेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित ना हो सके। तो बस यही जानकारी देने के लिए, यही जागरूक करने के लिए, कोरोना से बिना डरे हुए और साथ ही साथ किसी अन्य प्रकार से भी बिना भयभीत हुए लोग मतदान करने आएँ।